श्रावण मास की झमाझम बारिश के साथ आजादी का अमृत महोत्सव और 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर कल का पारा वार्ड नंबर 8 स्थित प्राथमिक शाला नंबर 3 में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डोंगरगढ़ भुवनेश्वर शोभराम बघेल के द्वारा स्कूल परिसर में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर वार्ड की पार्षद महोदया अलका जयेश सहारे कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे। वहीं शाला के स्टाफ, प्रधान पाठिका मैडम एवं शिक्षकगण, छात्र छात्राओं सहित वार्डवासी उपस्थित थे। वार्ड में लगातार विकास कार्यों को कराने के लिए कृत संकल्पित जागरूक पार्षद अलका जयेश सहारे ने वार्ड को एक बार फिर लाखों की सौगात देते हुए क्षेत्र के विधायक की पहल से प्रज्ञागिरी तक विद्युत पोल में एलईडी लाइट कार्य हेतु 6 लाख एवं शाला नंबर 3 के पास सौंदर्यकरण कराने के उद्देश्य से 12 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन विधायक भुवनेश्वर बघेल के द्वारा किया गया। इनके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका कार्यकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ के हरी सब्जियों के किस्मों को प्रदर्शित किया गया था। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं सहित पुरस्कार भी किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि शिशुपाल भारती, संध्या देश पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम, नलिनी मेश्राम, रिम्मी भाटिया, तराने एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया वार्ड पार्षद अलका जयेश सहारे ने डोंगरगढ़ वासियों को 75वें अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाई तथा आज शाला नंबर 3 में हमारे जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें माननीय विधायक महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी के आगमन तक के बाद ये कार्यक्रम किया गया और इसमें हमारे शाला समिति के सदस्यों के द्वारा कुछ बच्चों को पढ़ाई की सामग्री वितरित की गई है जो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और दूसरा कुछ एक यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम जो है वो 12 लाख रुपए का है और एलईडी लाइट जो कि तिरंगे की थीम पर यहाँ से लेके प्रज्ञागिरी तक जाएगी वो 6 लाख रुपए तक का स्वीकृत किया गया है जिसमें एलईडी लाइट का एक काम है हमारा और दूसरा सौंदर्यीकरण का काम है दोनों का। डोंगरगढ़ से अमरीश टांडिया, सीजी विजन टीवी।